लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया था और पहले लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। डेढ़ घंटे बाद दूसरे लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ था, वहीं अब कांग्रेस ने आज दूसरे लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात दो लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। पहले लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और डेढ़ घंटे बाद दूसरे लिस्ट में सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया कांग्रेस ने। और अभी आज हरियाणा कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। नौ प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। आज हरियाणा कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके पहले हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात दो लिस्ट जारी किए थे, जिसमें 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। बता दें कि पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया था। पहले लिस्ट में ये देखने को मिला, पहले लिस्ट में 5 महिलाएं और 3 मुस्लिम चेहरे को टिकट मिला। पार्टी ने पहले लिस्ट में पानीपत से इसराना सीट से मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। आज कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है, जिसमें 9 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। और इससे पहले 6 सितंबर की देर रात को लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का और आप टीवी स्क्रीन पर नामों का लिस्ट देख सकते हैं कि आज 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस ने आज अपना दूसरा लिस्ट जारी किया है। कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है और इसके पहले 6 सितंबर को कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी और आज दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम सामने हैं। आप सूची अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को उतारा है मैदान में गौड़ से कुलदीप शर्मा, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, टोहाना से पनवीर सिंह आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गुड़गांव से मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गड़गौर से कुलदीप शर्मा, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, टोहाना से परमवीर सिंह, गुड़गांव से मोहित ग्रोवर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर उम्मीदवारों के नाम और विधानसभा क्षेत्र के नाम, किसको कहां से उतारा गया है ये देख सकते हैं। गढ़ से कुलदीप शर्मा और तोशाम से और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित जी, इस 9 लिस्ट को देखकर आप क्या कहेंगे, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा दमदार दिख रहा है?
बिल्कुल, जो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, पहले 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, फिर एक की और जारी की थी, और अब 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो कुल मिलाकर के अब तक 41 उम्मीदवारों की लिस्ट अब कांग्रेस जारी कर चुकी है। अगर 9 उम्मीदवारों के अंदर देखा जाए तो थानेसर से जो उम्मीदवार बनाया गया है अशोक अरोड़ा को बनाया गया है। अशोक अरोड़ा पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी थी उसके पूर्व में कई साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और पिछली बार भी की अगर बात करें तो पिछली बार भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और मात्र 600 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो अब की बार उनको फिर से मैदान के अंदर उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो मजबूत उम्मीदवार है। और दूसरा जो नाम है वो गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर का है। मोहित ग्रोवर को लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि कांग्रेस अब की बार उनको उम्मीदवार बना सकती है, और कह सकते हैं कि गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर भी अच्छी पैठ रखते हैं। वहीं गन्नौर से कुलदीप शर्मा का नाम लिस्ट के अंदर आया है, और कुलदीप शर्मा जो है कि पहले लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं बात चली थी लोकसभा चुनाव के अंदर कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, लेकिन बाद में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मिलने गए और जब सभा के अंदर उनको सामने कहा भी था कि पंडित जी भाग मत जाना, इस तरह से बात भी की थी, तो कहीं ना कहीं कन्नौर से कुलदीप शर्मा पर एक बार फिर से दाव खेला है। और कुलदीप शर्मा जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाते हैं, तो उनको टिकट मिला है। अब बात की जाए तोशाम से, तो तोशाम से जो मामला है, जो बैटल है, वो रोचक होने वाली है। जो चुनाव है वो काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि तोशाम से जो चुनाव लड़ती थी किरण चौधरी, किरण चौधरी को भाजपा ने राज्यसभा में भेज दिया है, वो राज्यसभा सदस्य हो गई है। तो आप वहां से बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाया है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, और श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी वो भाई बहन है, और जो श्रुति चौधरी के पिता थे सुरेंद्र सिंह, जिनका देहांत हो गया था, और अनिरुद्ध चौधरी के जो पिता हैं रणबीर महेंद्रा, वो सगे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी अब आमने सामने होंगे, तो कह सकते हैं कि बहन भाई के बीच में कहीं ना कहीं मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों परिवारों में आपस में बनती नहीं है, और इसी कारण से एक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो एक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए टोहाना सीट की, तो टोहाना सीट से परमवीर सिंह को मैदान के अंदर उतारा गया है। परमवीर सिंह कांग्रेस के पुराने आदमी हैं, पूर्व में जब पूर्व कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्री थे हरियाणा सरकार के अंदर परमवीर सिंह, और एक बार फिर से उन्हीं पर कांग्रेस ने दाव खेला है। हालांकि राजनीतिक हलकों के अंदर चर्चा थी कि परमवीर सिंह क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से अब परमवीर सिंह की जगह उनके भाई रणधीर सिंह पर कांग्रेस दाव खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने दाव परमवीर सिंह पर ही खेला है। और यहाँ भी मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो देवेंद्र बबली हैं, और देवेंद्र बबली का भी जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस का है। 2019 में वो कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और जननायक जनता पार्टी की टिकट पर वो विधायक बन गए थे, और उसके बाद अब जब 2024 आया तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट ही वो मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जब उनको टिकट देने से मना कर दिया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने में वो कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है वो देवेंद्र बबली और परमवीर सिंह के बीच रहने वाला है टोहाना सीट से। टोहाना सीट की बात करेंगे, टोहाना से देवेंद्र बबली जो जिनका रिश्ता कांग्रेस से रहा है और उनके अपोजिट में फिर से कांग्रेस कहीं ना कहीं से जुड़े, तो पहली बार देवेंद्र बबली मुझे लगता है कि लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट से, इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या लोगों की क्या राय है? बिल्कुल, बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मुकाबला काफी रोचक रहेगा, क्योंकि वहां से टोहाना से परमवीर सिंह को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए महम सीट की, तो महम सीट काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि महम सीट से अब की बार जो वहां से विधायक बनते रहे हैं, अगर 2014 से 19 की बात करें तो आनंद सिंह दांगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो वहां से विधायक थे और उससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। तो अब की बार उन्होंने अपने बेटे
पर के लिए टिकट का आवेदन किया था और बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है और उनके बेटे बलराम दांगी को टिकट दे दिया गया है। तो आप बलराम दांगी कांग्रेस की टिकट के ऊपर लड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां से जो खिलाड़ी हैं कबड्डी टीम के जो कैप्टन थे दीपक हुड्डा, उनको मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और वहां से एक और मजबूत नाम जो कि कहीं ना कहीं निर्दलीय और जो उनकी खुद की पार्टी है उससे लड़ते हुए नजर आएंगे, वो नाम है जो अभी मौजूदा विधायक है, वो कहीं ना कहीं वहां अपनी पार्टी से लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब वहां भी मामला रोचक रहने वाला है। वहीं उचाना कला की अगर बात करें तो उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह टिकट पाने में अब की बार कामयाब रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी हिसार से उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। तो वो कहीं ना कहीं उनको गहरा धक्का भी लगा था क्योंकि उन्होंने इसी कंडीशन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन जब उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और जयप्रकाश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और वो जीत कर सांसद भी बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह के लिए फिर कहा गया था कि उचाना कला से विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जा सकता है और उनको प्रत्याशी बना करके कांग्रेस दाव खेल सकती है। और वही नजर आया है कि उचाना कला से वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं ब्रजेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड जो आईएएस रिटायर्ड नहीं कहेंगे आईएएस से थे लेकिन वीआरएस ले ली थी और वीआरएस लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2014 के अंदर बात करें 2019 के अंदर बात करें तो जो वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे मोदी लहर के अंदर, लेकिन 2024 आते आते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो वहां से अब इसलिए चुनाव रोचक हो जाता है क्योंकि वीरेंद्र सिंह परिवार और दुष्यंत चौटाला परिवार दोनों आपस में वहां से वार प्रत्यावार करते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और वहां से खुद दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने वहां से देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है, तो मामला वहां से भी रोचक रहने वाला है। तो जिस तरह से जो नौ उम्मीदवार और बादशाहपुर की बात करें तो बादशाहपुर से वर्धन यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वर्धन यादव के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वर्धन यादव को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है और वही उन्हीं पर दाव वर्धन यादव पर ही कांग्रेस ने खेला है। अगर बीजेपी की बात करें तो वहां से राव नरबीर सिंह को टिकट दिया गया है और राव नरबीर सिंह मजबूत उम्मीदवार हैं, पहले भी इस हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब की बार मुकाबला वहां भी रोचक होगा। अभी जो विधायक थे उनका देहांत हो गया था राकेश दौलताबाद और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी, तो अब कहीं ना कहीं वहां रोचक मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, वो भी देखना होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नौ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है कांग्रेस ने, अब उसमें भी विरोध के स्वर कितने उठेंगे कितने नहीं उठेंगे ये अभी देखना होगा, क्योंकि जो ये नौ उम्मीदवार और जारी किए गए हैं इन पर भी लगभग तय सा माना जा रहा था कि इन पर कांग्रेस जो है इन्हीं को टिकट देगी। अगर बात की जाए थानेश्वर से तो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को ही टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था, बादशाहपुर से वर्धन यादव का भी तय माना जा रहा था, गुरुग्राम से हालांकि और भी दावेदार थे लेकिन मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है, गन्नौर से भी दावेदार और भी थे कांग्रेस में लेकिन कुलदीप शर्मा को एक बार फिर से दाव कांग्रेस ने खेला है, तो शाम से भी अनिरुद्ध चौधरी का ही तय माना जा रहा था, टोहाना से परमवीर सिंह जो है उनका तय माना जा रहा था तो टोहाना से एक बार फिर से दाव खेल दिया है कांग्रेस ने उनके ऊपर, महम से आनंद सिंह दांगी के पुत्र बलराम दांगी है उन्हीं पर विश्वास जताया है, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह का तय माना जा रहा था उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इन नौ उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद भी ऐसा दिखता नहीं है कि कोई विरोध के स्वर ज्यादा सुनाई देंगे। जी जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी खबर पर हमारे साथ धर्मवीर जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, इस लिस्ट जैसे पहले लिस्ट आई थी और अभी आज कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, तो इस लिस्ट को लेकर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, किस सीट पर नाराजगी होने की, क्योंकि जब से लिस्ट जारी होना चाहे वो भाजपा का हो चाहे
वो कांग्रेस का हो। जब से लिस्ट जारी हुई है, कार्यकर्ताओं में जो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है या नहीं दिया गया है, वो नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के। तो इस लिस्ट को क्या अपडेट देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे ही भाजपा की जो लिस्ट आई उसके बाद भाजपा के नेताओं में विरोध देखने को मिला। अब कांग्रेस की लिस्ट जो आई है उसमें दक्षिण हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम और बादशाहपुर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और दोनों पर ही अब दूसरी लिस्ट में इन पे उम्मीदवारों का नाम आ गया है। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि बादशाहपुर से वर्धन यादव युवा चेहरा है, उनको टिकट दिया गया है। बादशाहपुर में बहुत ज्यादा विरोध है नहीं वर्धन यादव का, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीन तलाश रही थी कि एक अच्छे नेता के रूप के ऊपर कि कोई मिले जिसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जब से राव धर्मपाल यहाँ से उनका देहांत हुआ था उसके बाद कोई मजबूत कैंडिडेट भाजपा के पास था नहीं बादशाहपुर में, तो अब वहां पर वर्धन यादव को युवा चेहरे के ऊपर दांव खेला गया है। जबकि जो मोहित ग्रोवर है वो गुरुग्राम से, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, वहां पर थोड़ा विरोधाभास है। वहां पर पहले से ही कोई और जो लोग थे, चाहे वो सुखबीर कटारिया जो पूर्व में मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, उनकी टिकट काटी गई है। तो अब देखना होगा कि उनका रुख क्या रहता है, क्योंकि वो पहले मंत्री रहे हैं और अब उनकी टिकट काटी है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब अगला क्या फैसला लेंगे इसके ऊपर सबकी नजर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस में इससे पहले भी जो दूसरे जो पंजाबी चेहरे हैं वो लगातार तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, उनकी अनदेखी की गई और मोहित ग्रोवर जो जिसने कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की उसको टिकट मिली है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर अब कहीं ना कहीं मंथन होगा कांग्रेस के पुराने नेताओं में। अब वो क्या विरोध के स्वरूप आते हैं या नहीं आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मोहित ग्रोवर नया चेहरा है, अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, ज्वाइन करते हैं उनको टिकट मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर विवाद होने की संभावना है। जो वर्कर है कांग्रेस के वो विरोध कर सकते हैं, मगर बात करें तो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मोहित ग्रोवर ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तब से ये माना जा रहा था उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन राजबब्बर जो कि लोकसभा चुनाव लड़ा था गुरुग्राम से, उन्होंने वो लगातार जो कांग्रेस के दूसरे नेता है उनकी पैरवी कर रहे थे कि जो पुराने कार्यकर्ता है उनको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नए चेहरे को टिकट मिली है, तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है उनका क्या रुख रहेगा। जी, अभी दो सीटों को गुरुग्राम से होल्ड पे रखा गया है, सोना और पटौदी, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की इन दोनों सीटों को अभी भी होल्ड पे रखा गया है, दोनों में किसी भी की सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। ठीक इसी तरह सोना की जो सीट है उसके ऊपर भी बहुत सारे दावेदार हैं, तो 50 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन अभी उसको भी होल्ड पर किया गया है। जबकि वहां से मजबूत दावेदारों की अगर हम बात करें तो अगर जिस तरह से कांग्रेस में गुट बने हुए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से जितेंद्र भारद्वाज जो है वो मजबूत दावेदार हैं। ठीक उसी तरह से शैलजा गुट की अगर हम बात करें तो वहां से जो है जो दूसरे जो नेता है वो यहाँ पर इस दावेदारी के अंदर है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उसमें से टिकट मिलती किसको है। रोहतास बेदी जो है वो कहीं ना कहीं शैलजा गुट से आते हैं, जबकि जितेंद्र भारद्वाज जो है हुड्डा गुट से आते हैं, उन दोनों के बीच मुकाबला है इन सबके बीच। तो तीसरा जो यहाँ पे जो समीकरण है जाति समीकरण, उसमें ये माना जा रहा है कि किसी भी गुजर को भी यहाँ पर जो टिकट है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा ने ऑलरेडी पहले से ही किसी गुजर को टिकट दी है, जो कि तेजपाल तंवर है उनको टिकट दी है। तो अब यहाँ पर भी देखना होगा कि आगे की स्थिति जब टिकट अनाउंस होगी तो किस तरह की बनेगी। जी धर्मवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी अंकित के पास चलेंगे। अंकित, आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे गुरुग्राम में मोहित को टिकट दे दिया गया है लेकिन दो सीटें होल्ड पर रखी गई हैं सोना और पटौदी को, तो इसको होल्ड पे रखने का रीजन क्या हो सकता है? बिल्कुल, रीजन साफ तौर पर है कि कांग्रेस में एक एक सीट पर दावेदार बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं जो ये सीटें अभी घोषित की गई है वो चाहे बादशाहपुर से वर्धन यादव का नाम हो या गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर का नाम हो, तो यहाँ से कोई ज्यादा विरोधाभास नहीं थे। वर्धन यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन मोहित ग्रोवर जो है उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तब से ये तय माना जा रहा था कि मोहित ग्रोवर को टिकट मिल सकती है। हालांकि दावेदार और भी हैं वहां, जैसा धर्मवीर ने भी बताया कि सुखबीर कटारिया भी वहां दावेदार हैं, और भी दावेदार हैं, तो वहां से भी कई लोगों ने आवेदन किया था,
लेकिन सोना और पटौदी की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा हुआ है। सोना के अंदर जो दावेदारों की संख्या ज्यादा है, वहां से जितेंद्र भारद्वाज हैं वो भी दावेदार हैं और शैलजा गुट से भी दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेताओं के आपस में गुट भी बने होते हैं उनके माध्यम से भी वो जो उम्मीदवार हैं वो दावेदार हैं। वैसे ही पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो बाकी जो सीटें जो है अभी जिनकी घोषणा नहीं हुई है तो उनके ऊपर भी एक एक सीट पर काफी उम्मीदवार जो बने हुए हैं जिन्होंने आवेदन भी किया है और वो चाह भी रखते हैं। तो कांग्रेस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहले जो 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की वो भी ऐसे ही उम्मीदवार थे जिनके ऊपर ज्यादा विरोधाभास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो विरोध के स्वर देखने को मिले। हमें बड़ौदा की सीट का याद है कि बड़ौदा की सीट के ऊपर वहां से दो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो चीता हुड्डा है या कपूर नरवाल हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया और विरोध भी ऐसा किया कि कपूर नरवाल ने पार्टी को छोड़ दिया है और वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं या निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं अगर जीता हुड्डा की बात करें तो वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसे ही और कुछ सीटों की बात करें, जो 32 उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी उसके बाद राजेश जून, क्योंकि तो राजेंद्र जून वहां से बहादुरगढ़ से विधायक है उनको टिकट दिया गया, तो राजेश जून जो की वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इसी तरह से कई जगह पर कांग्रेस का विरोध देखने को मिला और अभी क्योंकि कांग्रेस की अगली जो लिस्ट आएगी उसके अंदर अब जो उम्मीदवार आएंगे उनमें देखना होगा कि किन को उम्मीदवार बनाया जाता है, किन सीटों पर बनाया जाता है, क्योंकि विरोध के स्वर अभी से उठने शुरू हो गए हैं। हमने आज भी देखा था कि रामकिशन फौजी जो कि भवानीखेड़ा से कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, आज उन्होंने दिल्ली में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से कांग्रेस कार्यालय तक उनके समर्थ अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया और ये साफ तौर पर पट्टियां ले रखी थी हाथों में और उस पर लिखा था कि भारी उम्मीदवार मौजूद हमें मंजूर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे ही एक नहीं और भी जो समालखा की सीट है कांग्रेस की, तो वहां के भी लोग जो है वो दिल्ली के अंदर गए और दीपक बाबरिया जो कि प्रदेश प्रभारी है उनकी गाड़ी को घेरा और उन्होंने भी यही बात कही कि भारी उम्मीदवार जो है वो वहां मंजूर नहीं होगा और हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए। ऐसे ही बाडडा की जो सीट है उसके ऊपर भी वहां के जो सरपंच हैं और पंच हैं उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख करके, सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, उनको बाकायदा चिट्ठी लिख करके मांग की है कि हमें कोई भी बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें यही का उम्मीदवार चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आज से 5 दिन पहले जब जारी हुई थी तो उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। लगातार नेता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, वो पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है तो कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो है मैंने बताया कि बहुत ध्यान से चल रही है और ध्यान से चलते हुए इसीलिए छोटी छोटी लिस्ट आ रही है, लेकिन वो लिस्ट अब तो लानी ही पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम बच गया है। आज 8 तारीख लगभग पूरी हो चुकी है और 9, 10, 11, 12 केवल 4 दिन बचे हैं और 11 तारीख तक हर हाल में लिस्ट जो है कांग्रेस हो या बीजेपी के बचे हुए 27 उम्मीदवार हो उनको लिस्ट जारी करनी ही पड़ेगी। वहीं जननायक जनता पार्टी की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, उन्होंने भी अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है तो उनको भी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी क्योंकि नामांकन की जो तिथि है वो 12 सितंबर तक ही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की और जो आम आदमी पार्टी की आपस में गठबंधन की बात चल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी कल सिरे चढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा। वो आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर या 6 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है और कांग्रेस जो है बाकी की बची हुई सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो लगभग बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन चुकी है, कल उसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी और औपचारिक घोषणा होने के बाद वो जो अगली जो लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम भी हो सकता है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी भी कितने लोगों की लिस्ट आती है ये अभी देखना होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टियां जो है अब की बार गंभीर है चुनाव को लेकर के, क्योंकि जहां कांग्रेस को अपने 10 साल का सूखा खत्म करना है वहीं अगर बात की जाए
भारतीय जनता पार्टी की, तो वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। तो आप देखना होगा कि जनता किस तरह से लोगों के लोग इस फैसले को किस तरह से लेते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं, किसको वोट करते हैं, ये तो 5 अक्टूबर को पता चलेगा। और जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीदवारों का चयन चल रहा है, तो इसलिए पार्टियों के लिए बड़ी एक संकट की घड़ी है कि 40-40, 50-50 उम्मीदवार जहाँ आवेदन कर रखे हैं सीटों के लिए, किसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसकी के लिए लंबी लंबी एक्सरसाइज हो रही है, बैठकें हो रही हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रखते हुए पार्टियां अब लिस्ट जारी कर रही हैं। जी अंकित, अगर हम पहले लिस्ट को देखें कांग्रेस की या दूसरे लिस्ट को देखें, तो कई नए चेहरे को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सीटिंग विधायकों पर भी फिर से भरोसा जताया है, लेकिन नए चेहरे को लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर नए चेहरों की जहां तक बात है, तो अभी जो 9 लोगों की लिस्ट आई है, तो 9 लोगों की लिस्ट के अंदर नए चेहरे के तौर पर अगर बात करें तो नया चेहरा जो है वो अनिरुद्ध चौधरी है। अनिरुद्ध चौधरी के पिता जो है रणबीर महेंद्रा, वो चुनाव लड़ते रहे हैं पहले, और लेकिन अनिरुद्ध चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बलराम दांगी की बात की जाए, तो बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी कई बार MLA रहे हैं, लेकिन बलराम दांगी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर मंजू चौधरी की बात की जाए, तो वो भी नांगल चौधरी से पहली बार चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर वर्धन यादव की बात की जाए, तो वो भी युवा चेहरा है और पहली बार मैदान के अंदर है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर गुरुग्राम की बात की जाए, तो मोहित ग्रोवर, वो भी बिल्कुल नया चेहरा है और पहली बार चुनाव लड़ते हुए। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे।